तो दोस्तों आप लोग का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज के समय आप लोग को बताऊंगा, अगर आप लोग जो अपना फेसबुक का पासवर्ड भूल गए और आप लोग चाहते हैं फेसबुक का पासवर्ड रीसेट करना यानी कि बदलना, ठीक ना। और गाइस हो सकता है आप लोग को पुराना वाला पासवर्ड पता ही नहीं होगा, ठीक ना। तो फिर भी आप लोग जो अपना फेसबुक का पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हो, आज के वीडियो में आप लोग को यही चीज़ पूरा फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो गाइस चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग जो अपना फेसबुक का पासवर्ड रीसेट करना है यानी कि बदलना, अगर आप लोग को नहीं पता है फिर भी। तो गाइस सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इस चीज़ को करने के लिए अपना फेसबुक को ओपन करना है। गाइस फेसबुक जैसे ओपन कर दो तो यहाँ पे 3 लाइन दिखेगा सबसे ऊपर में, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कर दो उसके बाद आप लोग को नीचे में दिखेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, तो आप लोग को सिंपली इस वाले पे क्लिक करना है। और जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है सेटिंग करके वापस से, तो इसके ऊपर टैप कर देना है। जैसे इसके ऊपर टैप करोगे तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा सी मोर इन अकाउंट सेंटर ब्लू कलर में, तो आप लोग को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपका प्रोफाइल शो करेगा एंड आप लोग को नीचे में दिखेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन, तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। गाइस जैसे इसके ऊपर आप लोग क्लिक करते हो उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिखेगा चेंज पासवर्ड का ऑप्शन, तो आप लोग को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आप लोग का प्रोफाइल यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आप लोग को सिंपली इसके ऊपर फिर से वापस से क्लिक कर देना है। गाइस जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद आप लोग को दिखेगा चेंज पासवर्ड का ऑप्शन, यहाँ पर करेंट और न्यू पासवर्ड रेट टाइप न्यू पासवर्ड का ऑप्शन। लेकिन आप लोग को तो करेंट पासवर्ड का मतलब ये हो कि आपको पुराना पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर आप लोग दोनों में नया पासवर्ड दे सकते हो। उसके बाद आप लोग चेंज पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को करेंट पासवर्ड पता ही नहीं है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पर फॉरगेट योर पासवर्ड वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है। गाइस जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हो तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेता है एंड आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका मोबाइल नंबर वगैरह और आपका जो जीमेल आईडी अगर ऐड कर रखे होंगे अपने फेसबुक अकाउंट में रिकवरी के लिए, वो सब यहाँ पर शो कर जाता है। अगर आपको जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जैसे मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा, अगर जीमेल आईडी शो कर रहा है तो जीमेल आईडी, अगर आप लोग लॉगिन कर रखे अपने फोन में तो वो वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक ओटीपी भेजेगा, ठीक ना, तो आप लोग फॉरगेट कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे में फिलहाल मोबाइल नंबर, तो मैं एसएमएस वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, तो देख पा रहे यहाँ पर चूज कर लिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। गाइस जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड आपके सिम पे यानी कि जिसके नंबर पे, जैसे यहाँ पे देख पा रहे मेरा सिम बता रहा है 84 है लास्ट में, उस पर ओटीपी भेज दिया। लेकिन इस फोन में मैं नहीं लगा रखा हूँ, दूसरे फोन में लगा रखा हूँ, तो देख पा रहे यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। तो सिंपली मैं यही सेम ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दूंगा, देख पा रहे यहाँ पर ओटीपी है तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो ओटीपी में 00 है और उसके बाद 75 है, ठीक ना, तो मैं इसको दे देता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग ओटीपी दे देते हो तो एक बार आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिएगा आपका ओटीपी सही से यहाँ पर एंटर किया ना, उसके बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर टैप कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर टैप करोगे उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट ए न्यू पासवर्ड का, देख पा रहे एंटर ए न्यू पासवर्ड करने के लिए। तो आप लोग को अब यहाँ पे जो है 6 डिजिट का या फिर 6 से ज्यादा का आप लोग कोई पासवर्ड सेट कर लीजिएगा एंड उसको आप लोग याद रखिएगा या फिर कहीं पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर कभी लॉग इन करना होगा तो काम आएगा। तो मैं यहाँ पर दे दिया हूँ 6 अंक का पासवर्ड। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है लॉग आउट मी फेसबुक, ठीक ना, इस प्रकार से वाला दिख रहा है, इसको आप लोग टिक कर देगा। इससे ये होगा अगर फोन आपका जो हो सकता है आपका फेसबुक कोई हैक कर लिया होगा या किसी के फोन में लॉग इन होगा, ठीक ना, तो आप लोग वहाँ से ऑटोमेटिक लॉग आउट कर देगा, ठीक ना। तो इसलिए वाला ऑप्शन टिक करके उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करते हो इसके ऊपर तो थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग लेता है, उसके बाद आप लोग को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देता है, देख पा रहे हैं आपका जो होम पेज होता है फेसबुक का वो आ जाता है। और गाइस आपका फेसबुक का पासवर्ड अब रिसेट होकर नया पासवर्ड सेट हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे फेसबुक का पासवर्ड कैसे रिसेट करना अगर पता नहीं है फिर भी। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोग वीडियो चले तो लाइक कर देना, चलो पहले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।